warm welcome once again to your favorite channel that is Lukman Ice Academy turning your dreams into reality and with that we are going to proceed in our today's special session on Indian economy that is what do we understand by the term mudra bank तो बैंक्स तो बहुत अलग टाइप के हमने अपने पिछले सेशन में जो है पेमेंट बैंक्स के बारे में डिस्कस किया था जनरल बैंक्स तो होते ही हैं आरबीआई भी है द बैंकर ऑफ द बैंक्स लेकिन अब एक दूसरा जो है टर्म आपके सामने है कि मुद्रा बैंक दरअसल क्या होता है

उनका रीफाइनेंस काम करता है यानी कि उनको फाइनेंस करने का काम करता है हमारा मुद्रा बैंक तो क्या है मुद्रा का फुल वंस अगेन माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट री फाइनेंस एजेंसी माइक्रो यूनिट्स का डेवलपमेंट उसके लिए रीफाइनेंस के लिए बनाई हुई एजेंसी तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी दैट इज मुद्रा फाइनेंसर ऑफ द फाइनेंस इन शॉर्ट लेकिन छोटे फाइनेंस okay? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुद्रा नॉट ओनली एज अ री इंस्टीट्यूशन, बट ऑल्सो रेगुलेटर फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे कि मन्नापुरम गोल्ड लोन हो गया यह सब कौन हो गया माइक्रो यूनिट हो गए जो कि लोन प्रोवाइड करा रहे तो उनको रेगुलेट और फाइनेंस करने के लिए हमने बनाया है क्या माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट refinance agency that is the mudra bank so it would be uh, mudra would be in charge of developing and refinancing the micro enterprises sector by assisting finance institutions that lend to micro small businesses entities engaged in either manufacturing trading and services acti activities so manufacturing activity ho manufacturing industry ho trading industry ho other service industry he so mudra would collaborate with banks microfinance institutions and other lending institutions at the state and regional levels to provide microfinance support to the country's micro enterprise sector further the government of india decided that mudra would provide refinancing assistance monitor that is pmmy by managing the web portal and facilitate the offering of the guarantees for loans made under the pmmy pradhan mantri mudra योजना पी और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होगी हमारे मुद्रा बैंक ओके okay? क्या नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसका अपना एक खुद का वेब पोर्टल होगा सो so, मुद्रा बैंक ऑपरेट्स थ्रू व्हाट थ्रू फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ओके विच इन टर्न कनेक्ट विथ लास्ट माइल लेंडर्स सच एज बोले तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्राइमरीली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफिशियल लेवल पर फॉर्मल लेवल पर डेजिग्नेटेड स्टेचुट लेवल पर लोन्स या फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं सो so, उनसे सीधा डीलिंग किसकी होगी उनसे सीधी डीलिंग होगी हमारे मुद्रा फाइनेंस बैंक की ओके एवरी वन सो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लार्ज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय ओनली वन पॉइंट टू फाइव करोड़ पीपल इन द कंट्री वेर हैज द माइक्रो यूनिट्स एम्प्लॉय अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व करोड़ पर पीपल तो ऑब्वियसली जो बिग इंडस्ट्रीज है उस पर तो हमारा फोकस है ही साथ ही साथ मुद्रा बैंक के जरिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं अब हमने उनको भी प्रॉपर फाइनेंशियल इंक्लूजन को मद्देनजर रखते हुए एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए और इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव को और बड़े ग्लोबल लेवल पर विजनरी लेवल पर ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि जो हमारे जो माइक्रो स्मॉल इंस्टीट्यूशन हैं माइक्रो स्लैश स्मॉल उसमें 12 करोड़ की जनता है जो काम कर रही है तो उसके लिए भी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखना चाहिए एंड फॉर दैट सेक वी केम फॉरवर्ड विद दी मुद्रा सो देर इज ए नीड टू फोकस ऑन फाइव पॉइंट करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल दैट इज ओनर्स ऑफ द माइक्रो यूनिट फाइव पॉइंट सेवन फाइव करोड फर्दर हु यूज फंड टोटलिंग इलेवन करोड़ विद एन एवरेज पर यूनिट डेप्थ ऑफ जस्ट रूपीज सेवेंटीन थाउजेंड एंड फॉर दैट सेक ओनली Mudra Bank came into the existence. So, further, what we can see, the significance of these enterprise the government of India established the Micro Units Development and Refinance Agency, that is Mudra Bank, when in April 2015 with the goal of funding these unfunded non corporate enterprises. Then, introduced under the ages of rudhan Mantri, Mudra Yojana. बजट जो हमारा था 2015-16 का द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली साहब ने इसको जो है रिप्रेजेंट किया था और 2015 में हमने देखा कि किस तरीके से इसको तुरंत 2013 के कंपनीज एक्ट के सेक्शन 22 को मद्देनजर रखते हुए मुद्रा बैंक को फाइनली स्टैब्लिश किया गया था विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इट्स ओके सो अंडर द बैंकिंग मॉडल माइक्रो एंटरप्राइजेस कैन ऑप्टेन अ लोन ऑफ अप टू टेन लाख रुपीस थ्रू री कितना दस लाख रुपए का जो है लोन मिल सकता है हमारी कंपनीज को छोटी कंपनीज को through the public sector, public sector, sector and private sector, banks, NBFCs, MFIs, RRBS and district banks etc. Now अब देखो इसके अंदर होता क्या है the finance bucket वो क्या है पहला है शिशु that is जो अभी शुरुआत है company वो एक छोटी सी company, micro unit जिसके भी शुरुआत है यानी कि शिशु यानी कि बच्चा that is loan up to rupees fifty thousand. किशोर यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है दैट इज फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लैक्स तक का लोन फिर तरुण फाइव लैक्स टू टेन लैक्स सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्कीम कवर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रेडर्स इट डज नॉट इन जनरल रीफाइनेंस एग्रीकल्चरल सेक्टर गाइस प्लीज रिमेंबर एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिफाइनेंस करने का काम हमारे मुद्रा बैंक नहीं करते हैं उसके लिए हमने अलग से फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए या एग्रीकल्चरल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ई नाम ई मंडीज वगैरह वगैरह ये सब तैयार किया हुआ है okay so the point that is to be remembered that is mudra bank okay does not refinance it does not refinance the agricultural sector first of all then further no fixed interest rate and according to the government they are currently charging interest rates ranging from base rate plus minus 1% to 7% per annum okay

एक्सेप्टेन द लोन इज लिंक टू अनदर गवर्नमेंट स्कीम देर इज नो जनरल सब्सिडी ऑफर्ड ऑन दी इंटरेस्ट रेट यानी कि अगर कोई भी लोन मैंने मुद्रा बैंक से लिया है तो उस पर मुझे कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी अंटिल एंड अनलेस वो जो मेरा लोन है किसी गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम के अंडर ट्रांसफर कर दिया गया अगर वो गवर्नमेंट की किसी दूसरी स्कीम के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है तो उस पर मुझे जो भी सब्सिडी है मिल सकती है और एल्स इन जनरल नहीं इंटरेस्ट रेट मुझे एक परसेंट से लेकर सात परसेंट तक के बीच में चुकाना होगा कोई इसके अलावा कोई दूसरा फिक्स इंटरेस्ट रेट इसका नहीं है फिर उसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है एग्रीकल्चरल सेक्टर कोई रिफाइनेंस करने की बात नहीं करते हैं विज्ञान भवन नई दिल्ली 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत फाइनेंस मिनिस्टर साहब उस जमाने के अरुण जेटली लेट अरुण जेटली साहब ने इसको अपने 2015-16 के बजट में रिप्रेजेंट किया था उसी के तुरंत बाद कंपनीज एक्ट थर्टीन सेक्शन ट्वेंटी के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए मुद्रा मुद्रा बैंक बनाया गया फिर कौन सा रेगुलेशन एक्ट है इसका दैट इज दैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ फोर्टी नाइन देन आरबीआई स्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन ओके ऑल ऑफ these statutes they do provide guidelines and the framework for the establishment of a mudra bank that is the micro units development bank okay so that's it with this session guys thank you so much for joining me in here okay it was a very wonderful session as we've already discussed about the provisions of the mudra bank and we'll see you all soon in the very next session with the very interesting topic as well thank you so much for joining bye bye take care jai hind